कार्य कार्यक्रम को और इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच दिल्ली से आए हैं श्री सईद अयूब साहब। उनसे विनम्र प्रार्थना है कि एक कविता अपने प्रतिनिधि कविता यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे श्री सईद अयूब जी। जब से मैं आया हूँ बहुत सारे बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ और मेरी जो कविता है वो बच्चों को ही समर्पित है। दुनिया भर में जितनी तरह की घटनाएं होती हैं, खासतौर से आप देख रहे होंगे फिलिस्तीन में और दूसरी जगहों पे, पेशावर में बम ब्लास्ट हुआ, भारत में भी जब दंगे होते हैं तो बच्चों और औरतों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक कविता जो है मैं बच्चों की नजर करता हूँ कि मेरे बच्चों जब तुम आओगे मेरी जिंदगी में, मैं तुम्हें कोई आस्था नहीं दूंगा। मेरे बच्चों जब तुम आओगे मेरी जिंदगी में, मैं तुम्हें कोई आस्था नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तुम्हें कोई प्रार्थना, न कोई अल्लाह दूंगा न परमात्मा। मेरे बच्चों जब तुम आओगे मेरी जिंदगी में, मैं तुम्हें कोई आस्था नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तुम्हें कोई प्रार्थना, न कोई अल्लाह दूंगा न परमात्मा। अगर तुम्हारी कोई आस्था होगी तो मैं चाहूंगा कि वो पूरी तरह पवित्र हो, कोरी हो। अगर तुम्हारी कोई आस्था होगी तो मैं चाहूंगा कि वो पूरी तरह पवित्र हो, कोरी हो। और अगर ईश्वर और प्रार्थना में ही, माफ कीजिए मैं थोड़ा सा, अगर तुम्हारी कोई आस्था होगी तो मैं चाहूंगा कि वो पूरी तरह पवित्र हो, कोरी हो। अगर तुम प्रार्थना में हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारे हाथों में नहीं रखूंगा कोई सलीब न कोई आयत, मैं तुम्हारे होठों को मंत्र विद्ध नहीं करूंगा। अगर तुम प्रार्थना में हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारे हाथों में नहीं रखूंगा कोई सलीब न कोई आयत, मैं तुम्हारे होठों को मंत्र विद्ध नहीं करूंगा। अगर सुनानी ही पड़ी मुझे तो मैं तुम्हें पैगंबरों और देवदूतों की कहानियां कहानियों की तरह सुनाऊंगा, जीवन की सच्चाई की तरह नहीं। अगर सुनानी ही पड़ी मुझे तो मैं तुम्हें पैगंबरों और देवदूतों की कहानियां कहानियों की तरह सुनाऊंगा, जीवन की सच्चाई की तरह नहीं। मेरे बच्चों मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि तुम चुनो अपनी आजादी। मेरे बच्चों मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि तुम चुनो अपनी आजादी। माफ कीजिए थोड़ी सी। मेरे बच्चों मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि तुम चुनो अपनी आजादी। और अगर ईश्वर और प्रार्थना में ही तुम्हें अपनी आजादी दिखती हो तो भी अपने ईश्वर और प्रार्थना को एक चुनाव की तरह चुनो। तुम चुनो कि तुम्हें मंत्रों का जाप करना है या नहीं। तुम चुनो कि तुम्हें आयतों को बुदाना है या नहीं। तुम चुनो कि तुम्हें कुछ चुनना है या नहीं। तुम चुनो कि तुम्हें कुछ चुनना है नहीं। मेरे बच्चों तुम शायद सोचो कि मैं कोई पागल हूं या हूं कोई दार्शनिक या बहुत आदर्शवादी हूं, लेकिन सच यह है मेरे बच्चों कि फिलिस्तीन से लेकर पाकिस्तान तक और नाइजीरिया से लेकर हिंदुस्तान तक, पर सच यह है मेरे बच्चों कि मैं ऐसा सिर्फ इसलिए चाहता हूं कि फिलिस्तीन से लेकर पाकिस्तान तक और नाइजीरिया से लेकर हिंदुस्तान तक तुम सिर्फ इसलिए न मार दिए जाओ कि तुम वो थे जो तुमने चुना ही नहीं था। शुक्रिया।